जेई में ने 75% अंकों की अनिवार्यता फिर से लागू। आज का न्यूज़पेपर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन की परीक्षा में इस बार फिर से कई बदलाव किए हैं। एक बड़े बदलाव के तहत इस बार 2020 से पहले 12वीं के 75% अंक वाले नियम को फिर से लागू कर दिया गया है। कोरोना से पहले IIT, NIT और CFT संस्थानों में नामांकन के लिए 12वीं से कम 75% अंक लाना अनिवार्य हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना के चलते यह शर्त हटा दी गई थी। इस बार 2023 से फिर से लागू कर दिया गया है। इस संस्थान ने में जोसा और सीसैप काउंसलिंग के जरिए नामांकन होंगे। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के जरिए NIT, IIT और CFT संस्थानों के BE, BTEC, BArc, पी प्लानिंग कोर्स में दाखिल ऑल इंडिया पर बेस्ट होंगे, लेकिन इसमें 12वीं में कम से कम 75% मार्क्स की भी शर्तें होगी। SC ST वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम मार्क्स 65% रख दी गई है रखे गए हैं। एक बार में केवल एक सत्र के लिए आवेदन का मौका। जेई मेन में 2023 के लिए आवेदन करने वाले छात्र एक बार में केवल एक सत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें आवेदन करते वक्त एक सत्र का ही विकल्प दिया देखेगा। उम्मीदवार एक से अधिक बार आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 2020 या उससे पहले 12वीं पास करने वाले छात्रों को आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद वाले छात्र आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों के अभिभावकों का विवरण डालना होगा। इस बार आवेदन करते समय छात्रों को माता पिता का विवरण डालना अनिवार्य कर दिया गया है। अभिभावक का ईमेल और मोबाइल नंबर डालना होगा। पहले यह अनिवार्य नहीं था, अब छात्र को JEE पंजीकरण डालना होगा। NTA ने पुरुष उम्मीदवार की रजिस्ट्रेशन बढ़ाई। NTA ने इस बार पुरुष उम्मीदवार की रजिस्ट्रेशन फीस 650 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है, जबकि महिला उम्मीदवार को 800 रुपये का भुगतान करना होगा। इससे पहले SC ST PWD ट्रांसजेंडर को 325 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। अब SC ST PWD और थर्ड जेंडर के उम्मीदवार को BE, BTEC, BArc और बी प्लानिंग के पेपर के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा। भारत से बाहर के उम्मीदवार के लिए JEE 2023 का आवेदन शुल्क बढ़ा दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले पुरुष उम्मीदवार को 5000 रुपये और महिला उम्मीदवार को 4000 रुपये का भुगतान करना होगा। इससे पहले भारत के बाहर आवेदकों के लिए शुल्क क्रमशः पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए 3000 और 1500 रुपये था।